पुलिस कमिश्नरेट का एनुअल प्रेस मीट आज यहाँ पे देवकी कन्वेंशन हॉल नागौल में हमने अरेंज किया था। राजकोंडा में इस साल ओवरऑल जो क्राइम है वो 12% अभी कम हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस खासकर बहुत सारा अभी कम रिपोर्ट हुआ है। इस साल जो 3 महीना था लॉकडाउन का, वो 3 महीने के पीरियड में की केसेस बहुत कम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुए, क्योंकि उस समय पुलिस का काफ़ी अच्छा विजिलेंस था, इसलिए रोड एक्सीडेंट भी कम हुए उस पीरियड में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी काफ़ी कम हुए। वही कारण होगा कि हमारा ओवरऑल जो क्राइम है वो टोटल कम हुआ है। इस साल जो एक अच्छी बात है कि कन्विक्शन जो है हमारा वो 51% बढ़ा है। पिछले साल जो 35% था उसके पिछले साल वो 32% था। इस साल हमने और एक बात जो देखी कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तकरीबन दुगना हो गया है। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी ये जो साइबर क्रिमिनल है वो एक्टिव थे और उन लोगों ने काफ़ी हरकतें करके लोगों को फंसाने की कोशिश की और लोगों ने भी ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया है। ये जो पूरा साल है हमारे लिए खासकर सर्विस का साल रहा। शुरू के लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी हमारे तकरीबन 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया है। 60,000 माइग्रेंट वर्कर को हमने 2 महीना तक उनका खाने का इंतजाम किया था, बाद में उनको घर भेजने का भी हमने इंतजाम किया। उनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज किया था, पीने के पानी की सुविधा हमने दी थी तक। उसके साथ में जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी हमने न्यूट्रिशियस डाइट का इंतजाम किया था। और ये जो अच्छा काम है वो गवर्नमेंट के भी नोटिस में गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जो मैनुअल बनाया कोविड के पुलिसिंग का, उसमें राजकोंडा पुलिस के 5 पेजेस वहाँ पे है। Yeah.